दोस्तों यहाँ पे बारिश लग चुकी है, देखिए। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से एक बार डीएमएस फाइटर चैनल में। तो कैसे आप सभी लोग, मैं तो एकदम मस्त हूँ। तो यार अभी देखिए बारिश आने लगी है, आज तुम्हारा भाई अकेले जाएगा सफ़र पे, तो आप पूरा एंजॉय ले वीडियो का। दोस्तों यहाँ पे बारिश लग चुकी है, देखिए भाई साहब हैवी रेन आने लगी। मैं बोल ही रहा था नीचे पे कि बारिश आई जाएगी, अब इस लकड़ी का भी क्या कर रहे हैं, फेंक ही दी मैंने लकड़ी। तो ये बरसाती है जो मुझे सेफ रख सके, और इस जंगलों के बीच भाई डर तो काफ़ी लग रहा है। दोस्तों अब कैंप बनाने में काफ़ी आफत आने वाली है मेरे को, भाई लकड़ियाँ भी गीली है, मेरे पास कुछ संसाधन भी नहीं है, गैस वैस, तो लकड़ी ढूंढनी पड़ेगी जो कि सूखी हो। वैसे तो मिलना मुश्किल है, पर ढूंढ के भगवान भी मिल जाते हैं सुना था मैंने, पर देख लेते हैं क्या होता है। तो अभी थोड़ा बारिश बंद हो गई है, तो अभी थोड़ी देर पहले बारिश आ रही थी भाई, मैं तो डर ही गया था, मैंने सोचा पता नहीं आज मैं पूरा भीग ही जाऊंगा। थोड़ा लकड़ी आग जलाने की प्रॉब्लम हो सकती है मेरे को, बाकी तो फिट हो रही है, बाकी सामान तो मैंने ला ही रखा है। तो दोस्तों देख सकते हो आप जो पेड़ हैं काफ़ी ज़बरदस्त भाई, इन पेड़ों को देखने के लिए मैं तरस गया था। ये पता नहीं इनका नाम तो मेरे को पता नहीं, पर देख लीजिए आप एक चक्कर, काफ़ी मस्त वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हो आप पहुंच चुके हैं हम इन घनघोर जंगलों में, और यहाँ पे मेरे को एक अच्छा ठिकाना मिल गया है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे बनाएगा तुम्हारा भाई अब कैंप, और यहाँ पे थोड़ा लकड़ी लुकड़ी इकट्ठा करेंगे और अपना कैंप की तैयारी करेंगे। आप वीडियो को देखते रहो क्या क्या सीन होता है। दोस्तों एक मस्त सी लोकेशन ढूंढनी थी मैंने, तो फाइनली मुझे मिल ही गई, और अब करते हैं अपने कैंप की तैयारी। डर काफ़ी लग रहा है, आज तो तुम्हारा भाई इन जंगलों के बीच अकेला ही आया है,
देखिए अभी लग चुकी है बारिश। तो दोस्तों देख सकते हो आप, लगभग 2 घंटे से हमारा भाई यहाँ पे कार्य कर रहा है और जो हमारा टेंट है वो भी फाइनली बन चुका है। अब बनाएंगे हम खाना पीना। तो चिकर आपको मैं टेंट दिखा लेता हूँ। अभी देखिए धूप भी लगी है, अभी थोड़ी देर पहले तो भाई बारिश लग रही थी, हल्का बूंदाबांदी। अभी मौसम का कोई भरोसा नहीं है, ये मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है। और ये देखिए हमारा टेंट एकदम मतलब काम चलाने लायक हो ही गया है, ऐसा है कि बारिश से हमको बचाई देगा। अब यहाँ पे खाने पीने की प्रबंध करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे मुझे मस्ती स्पॉट मिल रखी है, तो यहाँ पे यार काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, मतलब खुला है और चारों तरफ जो जंगल है वो काफ़ी डेंजरस है, यहाँ पे अकेला डर तो लग रहा है।
तो दोस्तों देख सकते हो आप, टेंट तो एकदम मस्त बन गया है, और जो हमारा मैगी और अंडा है वो भी एकदम मस्त तरीके से उबल रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ पे मैगी मुगी खाते हैं थोड़ी देर में, जब तक हमारा मैगी पकता है तब तक सो लेते हैं थोड़ा अपने टेंट के अंदर। टेंट भी काफ़ी धांसू वाला बन रखा है। दोस्तों यहाँ पे बारिश आने वाली है थोड़ी देर में, यार थोड़ी देर पहले तो आ रही थी बारिश, अभी एकदम रुक चुकी है। तो यहाँ पे बारिश आने से पहले हमको आगे की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी, जो हमारा मैगी है उसको जल्द से जल्द खाना पड़ेगा, क्योंकि भूख भी काफ़ी लगी है। और यहाँ पे आवाज़ सुन सकते हो आप, एक चक्कर क्या मस्त ही आवाज़ आ रही है। जो हमारा टेंट है वो भी काफ़ी मस्त है, एकदम आरामदायक। देखिए यहाँ पे मौसम एकदम सुहाना हो चुका है, थोड़ी देर में यहाँ पे बारिश होने वाली है, क्योंकि अंदाज़ हो चुका है मुझे बारिश होने का। सो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो मैगी और अंडा है, एग मैगी बोल सकते हैं आप इसे, ये एकदम तैयार हो चुकी है। देखिए बुलबुले भी इसमें उठने लगे हैं, अब फटाफट इसको खाते हैं। ओ भाई साहब ज़बरदस्त यार, काफ़ी ज़बरदस्त टेस्ट है। वाह, ये हमारा ब्रेड है, ब्रेड इसमें डाल के खाएंगे आप ब्रेड से। भाई वो आनंद आ रहा है ना, क्या ही बताऊँ, सोलो कैंपिंग का जो मज़ा है ना भाई, क्या ही बता सकता मैं तुम लोगों को। जंगल के बीच एकदम घने जंगल में, जहाँ पे चारों तरफ से डरावनी आवाज़ आती है, और तुम्हारा भाई यहाँ पे फुल इन्जॉय ले रहा है अकेले अकेले। सोलो कैंपिंग का अलग ही मज़ा है यार भाई, कुछ भी बोलो। जो मेरी मैगी है, एग मैगी है, वो एकदम ज़बरदस्त बन रखी है। ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त, मज़ा आ गया मज़ा। उस लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा अभी, मुझे पता है, समझ सकता हूँ मैं उन लोगों का दर्द, अब क्या ही बोले, मजबूरी होती है किसी की। दोस्तों यार अभी तो मतलब खाने में तुम्हारे भाई को टाइम लगेगा, देखिए कितना ज़्यादा मैगी है। और यहाँ देखिए पूरा जो ये हमारा पतीली है ना, वो एकदम भर रखा है अभी, तुम्हारा भाई पूरा ही सटकाएगा, क्योंकि यार सुबह में कुछ खाया नहीं है, तो खाना तो पड़ेगा ही, भूख लग गई है, क्योंकि इतना काम वाम कर दिया भाई, इतनी मेहनत कर दी तब से, आप लोग देख ही रहे होंगे वीडियो में। दोस्तों मैं कह ही रहा था आपसे कि थोड़ी देर में बारिश आने वाली है, ये देखो करिश्मा हो चुका है, जो बारिश है वो आने लगी है। भाई खाना पीना तो मैंने खा ही लिया, जो ये मेरा देखिए यहाँ पे एकदम खाली कर दिया, तो यार भूख काफ़ी लगी थी, वह से कुछ खाया नहीं था, तो एकदम खा ही दिया तुम्हारे भाई ने। अब थोड़ा आराम करते हैं, जब तक बारिश बंद होती है तब तक सो लेते हैं, अब देखेंगे आगे का प्लान क्या होता है हमारा। दोस्तों यार बारिश देखिए काफ़ी तेज़ लगने लगी है, भाई अभी तक थोड़ी कमी थी, तो यार मेरे पास संसाधन तो है नहीं, जो टेंट है ये मतलब मैंने अपना जुगाड़ी से बना रखा है यार, अकेला आया हूँ जंगल में। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं ना, उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ जो भालू है, जो लेपर्ड बोलते हैं उसको, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर मेरे को डर लगने लग गया है भाई कि भाई खा न ले। तो यार यहाँ पर शाम भी होने वाली है लगभग, मेरे को यहाँ पर 5:30 हो गई है, थोड़ा मैं सो गया था यहाँ पे आधा घंटे, सोने के बाद अभी जस्ट अभी उठा मैं, तो यहाँ पे आग भी जली रही है मेरी, बारिश तो आ ही रही है। जो अगली वीडियो आएगी वो होगी नाइट स्टे पे, और जो कैंप है ये तो ऐसे ही बना रखा हमने, तो कैंप को हम लाएंगे उसके बाद मस्त करके बनाएंगे। फिलहाल मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा टाइम पे, भाई जंगल का इलाका है, खतरा भी हो सकता है, क्योंकि अकेला ही आ रहा मैं इधर, खुद ही वीडियो बना रहा हूँ, खुद ही आ रहा हूँ। देखिए ज़्यादा लग गया बारिश भाई, जुगाड़ भाई बड़ा भाई इतना खतरनाक है ना, तो जुगाड़ देखिए मेरा काफ़ी ज़बरदस्त। ओ भाई भाई बारिश लगने लगी है दोस्तों, पहले तक तो नहीं थी बारिश, पर अब लगने लगी है बारिश। यार जो अगली वीडियो आएगी ना वो नाइट स्टे पर आएगी, तुम्हारे भाई ने एक कैंप ऑर्डर कर रखा है ऑनलाइन, तो देखना अगली वाली वीडियो नाइट स्टे पर पड़ेगी। और यहाँ पर बारिश आ चुकी है, कपड़े पहनने पड़ेंगे, ठंडा काफ़ी लग रहा है इधर, वैसे उतार दिया था मैंने, गर्मी थोड़ा हो रही थी जिस टाइम खाना बना रहा था मैं, उस टाइम थोड़ा गर्मी हो रही थी। थोड़ा यहाँ पे रुक लेते हैं जब तक बारिश थोड़ा कम होती है, फिर निकलते हैं। ओह
दोस्तों यहाँ पे हो चुकी है बारिश बंद, देख सकते हो आप, जो पहले तक बारिश आ रही थी अब नहीं आ रही बारिश। और यहाँ पे टेंट टूट के फोल करते हैं, निकलते हैं घर की। और यार शाम के 6 बज चुके हैं तो घर जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, तो निकलते हैं दोस्तों यहाँ से। तो कैसा लगा आपको ये कैंपिंग वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने DMS फाइटर को सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।